Dear आई सी एस स्टूडेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सी आई एस ई ने जो पैटर्न और प्रारूप जारी किए उसको डी कोड किया गया और आज मैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में साफ साफ बताते हैं कि क्लास टेंथ आई सी एस ई के मैथ के क्वेश्चन पेपर को आसान रखने के पूरे प्रयास किए गए हैं और जो प्रूफ यानी कि जो पैटर्न जारी किए गए सैम्पल पेपर या स्पेसमेंट सैंपल पेपर है उसके बाद से कहा गया है कि इस तरह से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें उनमें सी सी ने साफ साफ कहा है कि एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन थर्टीन मार्क्स तक होने चाहिए एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन में क्रिएटिव और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होंगे और डिफरेंसेज बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे इतना ही क्वेश्चन की बात कही गई है जो मैंने प्रूफ देखा है उनमें एग्जम ऑफ सिमिलरिटीज एंड जो बेसिक थ्योरम ऑफ प्रपोर्सनलिटी है ऐसे क्वेश्चनों को प्रियोरिटी देने के साथ साथ ये बताया गया है कि किस तरह से रिलेशन निकालना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए रूल टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट यहां पर इन वेरियंट पॉइंट और रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरल टू इस पर क्वेश्चन रहने की संभावनाओं पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है इंपॉर्टेंट बात इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और मिड पॉइंट फार्मूला के साथ साथ सेंट्रॉइड फार्मूला को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो क्वेश्चन वहां पर आसान हो जाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में साफ साफ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर इस बार 2024 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात की जाती है जैसे टर्म ऑफ जीपी को निकालने के जो फॉर्मूले है या फिर अगर ए बी और सी आर एन जी पी तो बी बाय ए इक्वल सी बाय ए बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस सी इसके तीन केस है ऑफ द सर के केस नंबर वन केस नंबर टू केस नंबर थ्री इन पर भी ध्यान देने की बात कही गई है यानी कि ये इंपॉर्टेंट है अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एंथ दर्म एस एन निकालने के लिए एन बाय टू टू ए बाइ टूला आप देख लेंगे या फिर ए ए एंथ टर्म यानी कि एन एन बाय टू प्लस वाले फार्मूले को आपको देखने होंगे इन पर मैथ्स न सिर्फ क्लास हाफ इी में हाफ टेंथ के लिए बल्कि आगे के सभी सब्जेक्ट या इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में होने की गुंजाइश बताई गए प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इस बार वरीयता दी गई है हालांकि मल्टीप्लिकेशन भी पूछे जा सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही कॉमन है इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये पॉइंट अच्छे तरह से समझ लेने हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कॉमनली डिफिकल्ट माना गया है लेकिन इन पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की बातें कही जाती हैं कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे फिर फैक्ट्राइजेशन एक कॉमन चीज है इंपॉर्टेंट फार्मूला आप देख लेंगे जो कि रेशियो और प्रोपोर्सन में है इसीलिए प्रोपर्टीज ऑफ प्रोपोर्सन और प्रोपोर्स इन दोनों के इंटर रिलेशन और इंटरनल डिफरेंसेस के आधार पर क्वेश्चन रहने की 100 परसेंट गुंजाइश बताई गई है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो प्रोडक्ट रूल है या फिर आपको सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए या फिर अल्फा निकालना है और बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर इस प्रॉपर्टीज पर आधारित क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज के लिए अभी मैं बाद में बताऊंगा लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशंस में आपको पूछे जाने हैं शेयर डिविडेंट में इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि एम बी बाय एन बी और सम ऑफ डिविडेंट और आपके पास वन शेयर के आधार पर या फिर नंबर ऑफ शेयर ब्रॉट ये सब है इनकम या प्रॉफिट इस कॉमन है जो कि पूछे ही पूछे जाएंगे और अंत में जीएसटी है तो जीएसटी के आधार पर जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाने की उम्मीद है लेकिन यहां पर रेकरिंग और अकाउंट डिपॉजिट में कैलकुलेशन ऑफ मेचोरिटी अमाउंट ऑफ रेकरिंग यह बताया गया है कि हाफ ईयरली और जो ट्वेल्थ फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए इनमें इन, इन पॉइंट और एरिया ऑफ इंपॉर्टेंट कंसर्न है द रेस्ट आर ग्रे कंसर्न है चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट है सी आई का सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन 2024 में रहने हैं मैंने वो बताई और इसके लिए मैंने बहुत सारे बुक का सलाह साफ सहारा लिया बहुत सारे अपने स्कूल के टीचरों से पूछा हो जिनसे मैं जानता हूँ उसके अलावा इस बुक को अभी मैंने मदद ली तो आप इसको परचेज कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी लोगों का सादर आभार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सिन्हा सर एंड ऑल द बेस्ट वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब